वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में ये पांचवा वीडियो है। इससे पहले हम लोग चार वीडियो देख चुके हैं। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं आसियान कंट्री। आसियान कंट्री में हम लोग क्या क्या देख लिए थे, एक बार हम लोग देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो आसियान कंट्री में क्या क्या देखे थे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए। आसियान में हम लोग देख लिए थे पाँच कंट्री, पाँच हमारे बाकी हैं। पाँच कौन कौन देखे थे उसको देख लेते हैं। पाँच में हम देख लेते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये पांच देश हैं आसियान कंट्री का। ये पांच हम लोग देख लिए थे, पांच देखना बाकी था। हम लोग देख रहे थे आसियान कंट्री, ठीक है। आप लोगों को बता चुका हूँ आसियान कंट्री क्या है, है ना। तो आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में जाएं, प्रीवियस वीडियो में, उसको देखिए आसियान क्या है, ठीक है। आसियान से पहले हम बता चुके हैं सार्क कंट्री। सार्क क्या है, सार्क में कितने देश हैं, उसका लोकेशन है और कंट्री वाइज उसमें बताया गया है इसमें, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जाएं, आप वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा, स्किप करना देखें तो समझ नहीं आएगा। और मैप पढ़ने के साथ साथ, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज जब पढ़ रहे हैं तो साथ में आप एटलस रखें, आप साथ में एटलस रखें, एटलस, ठीक है, एटलस या फिर मैप रखें, है ना, तभी समझ में आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। आप चाहेंगे कि ऐसा वीडियो देख के और लेक्चर देख के कर लें, नहीं। जब तक आप अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। रटनेस नहीं होता है, आप एटलस साथ में रखें, मैप रखें, है ना, और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो साथ में देखें, ठीक है। तो हम लोग आसियान कंट्री देख रहे थे। आसियान में हम लोग देख लिए थे फाइव कंट्री, पांच देख लिए थे और अभी पांच देखने में और बाकी हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आसियान के पांच कंट्री और देखते हैं कि पांच कौन कौन से बाकी रह गए हैं। तो पांच कौन कौन से बाकी रहे हैं, तो पांच बाकी रहे हैं मलेशिया, पहला कौन है मलेशिया, आज देखें हम लोग मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और कौन सी, फिलीपींस, फिलीपींस, ये हम लोग देखेंगे पांच, ये पांच देखेंगे हम लोग। पांच देख चुके हैं कौन कौन, तो पांच देख चुके हैं हम लोग, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये हम लोग पांच देख चुके हैं। ये पांच हम लोग देख लिए हैं, पांच भी बाकी हैं, ठीक है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं पांच कौन कौन से बाकी हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मलेशिया, ठीक है। मलेशिया कहाँ पे है, अब मलेशिया देखिए, मलेशिया एरा, यहाँ देख रहे हैं आप, ए मलेशिया है। आप एटलस निकाल लीजिए मैप और यहाँ देखिए, ये हमारा मलेशिया है और ए देखिए, ये भी मलेशिया इधर, ठीक है, ये भी मलेशिया है। अब मलेशिया के साथ क्या है, इसमें जी मलेशिया ना, ए भी इंग्लैंड का गुलाम था, मलेशिया जो था ए भी इंग्लैंड का गुलाम था, यहाँ समझिए, इसे मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया भी जो था, मलेशिया देख रहे हैं, मलेशिया ए क्या है, जैसे भारत इंग्लैंड के गुलाम था वैसे मलेशिया भी इंग्लैंड के गुलाम था। या 1957 में इंग्लैंड से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ किससे हुआ, तो ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड से आज़ाद हुआ, ठीक है। ये पहले इंग्लैंड के गुलाम था और 1957 में, 1957 में ये मलेशिया इंग्लैंड से अलग हुआ, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, मलेशिया के साथ
क्या गलती होता है, यहाँ देखिए, ये मलेशिया है, ठीक है, ये मलेशिया ना देश दो भाग में है, मलेशिया जो है दो भाग में है, देखिए यहाँ देखिए, ये भी जो दिख रहा है ये भी मलेशिया का भाग है, और इधर भी जो दिख रहा है मलेशिया का भाग है, ठीक है, एक पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग साइड में है, ये पश्चिमी साइड में है, ठीक है। तो पश्चिमी भाग जो है ये मलाया प्रायद्वीप पे है, ठीक है, किस पे है, मलाया प्रायद्वीप, ठीक है, इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। हम आप लोग को बता चुके थे प्रायद्वीप क्या है, ठीक है, प्रायद्वीप क्या है बता चुके हैं, आप प्रीवियस क्लास में देखें उसमें बताए थे केप क्या है, पेनिनसुला क्या है, सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, अंतरिप क्या है, प्रायद्वीप क्या है बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाएँ वहाँ पे देखें कि क्या है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि एक जो मलेशिया है दो भागों में बटा हुआ है ना, पूर्वी साइड में है पश्चिमी साइड में है, जो पश्चिमी साइड में है आपको दिख रहा है पश्चिमी साइड में ये वाला जो है पार्ट है, ये पश्चिमी साइड जो है ये मलाया प्रायद्वीप पे है, कौन सा है, मलाया, यहाँ देखिए कौन सा प्रायद्वीप है, मलाया, मलाया प्रायद्वीप, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, मलाया प्रायद्वीप, ठीक है, मलाया प्रायद्वीप जो ये पश्चिमी साइड है मलाया प्रायद्वीप पे है, ठीक है। और बात करें पूर्वी साइड में जो मलेशिया है ये है बोर्नियो द्वीप पे, किस पे है, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप की बात करें तो बोर्नियो द्वीप ए पूरा है, बोर्नियो द्वीप है ए पूरा, दिख रहा है, ए पूरा जो द्वीप है इसे कहते हैं हम लोग बोर्नियो द्वीप, कैसे क्या कहते हैं इसको, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, इसे कहते हैं बोर्नियो द्वीप। अब देखिए बोर्नियो जो द्वीप है इस पे राजनीतिक रूप से तीन देशों का अधिकार है, बोर्नियो द्वीप पे, पहला किसका है, पहला इंडोनेशिया, आपको इतना पार्ट जो दिख रहा है इधर से ये आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ये जो रेड कलर किए हैं आपका ये है मलेशिया, और ये ग्रीन कलर का जो हम कर रहे हैं ये है ब्रुनेई, ठीक है, ठीक है, मलेशिया के साथ गलती क्या होता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा गलत ही होता है, ठीक है, क्या हुआ है? अब देखिए ये क्या था, जो मलेशिया जो था, यहाँ देखिए ये मलेशिया पूरा पार्ट था, ये बिल्कुल ऐसे था, ठीक है, बट क्या होता है कि समुद्र के जल से ये लहरों से ये क्या होता है, समुद्र के जल से ये क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है, ये बीच जो होता है बीच वाला पार्ट ना बह जाता है, ठीक है, बह के हट जाता है, तो ये क्या होता है मलेशिया दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, पूर्वी मलेशिया और पश्चिम मलेशिया। तो पूर्वी मलेशिया जो है किस द्वीप पे है, पूर्वी कौन सा, ए है, पूर्वी कौन सा, ए है, तो पूर्वी कौन सा है, बोर्नियो द्वीप पे, और पश्चिमी जो मलेशिया है वो कौन सा प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, बता चुके थे प्रायद्वीप होता है जो पानी जो जल बॉडी से पानी से तीनों ओर से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो है ना, वो होता है प्रायद्वीप, देखिए एक इधर से और एक इधर से, तीन तरफ से पानी से घिरा तो प्रायद्वीप है, ठीक है, बड़ा लैंड मास हो, ठीक है, तो कहलाता है वो प्रायद्वीप, बट ये छोटा लैंड मास हो तो क्या कहलाता है, अंतरिप कैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप जो भी प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर है पीछे क्लास में जाएं वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखें कि इसमें बताए थे पेनिनसुला क्या है, कैप क्या है, सारा कुछ बता चुका उसमें, ठीक है, बाइट क्या है, बीच क्या है, सारा कुछ बता चुके हैं उसमें, ठीक है, उसमें जाए और उसमें देखें, ठीक है। देखिए बता चुके हैं कि इंग्लैंड के गुलाम था कौन, मलेशिया, ये 1957 में इंग्लैंड से अलग होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, और क्या होता है कि मलेशिया दो भागों में बटा होता है, किसमें, पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया भाग जो है पूर्वी भाग है वो क्या है, बोर्नियो द्वीप पे है, क्या है, बोर्नियो द्वीप है, और पश्चिमी भाग है मलाया प्रायद्वीप पर, ठीक है। अभी बता चुके थे भी हम कि बोर्नियो द्वीप पे तीन देशों का राजनीतिक रूप से अधिकार है, ठीक है,
कौन कौन से हैं? एक इंडोनेशिया का है, दूसरा मलेशिया का है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ब्रुनेई का, ब्रुनेई का, ठीक है। तीसरा कौन सा है? ब्रुनेई, ब्रुनेई, तीसरा ब्रुनेई है, ठीक है। तो हमारा ब्रुनेई है, ठीक है। ब्रुनेई का जो कैपिटल राजधानी है, बंदर सेरी बगान है, भगवान है ये बंदर सेरी भगवान, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं मलेशिया, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब ये तो दो भागों में बट गया था मलेशिया, दो भागों में बटने के बाद एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। अब क्या होता है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग से दोनों से एक एक देश अलग हो जाते हैं, देश बनकर अलग हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग जो मलेशिया है, इसमें इससे एक देश बनकर अलग निकल जाता है। कौन सा होता है? ब्रुनेई। कौन सा है? ब्रुनेई। यहाँ से एक देश बन जाता है, ठीक है, मलेशिया से टूटकर। और जो पश्चिमी साइड जो मलाया प्रायद्वीप पे जो है उससे टूट के अलग बनता है, कौन सा? सिंगापुर। कौन सा बनता है? सिंगापुर। तो दो देश यहां से निकल गए इसके साथ, ठीक। इसके साथ गलत हो रहा है, मलेशिया के साथ गलत हो रहा है। पहले तो टूट के अलग बह गया, दो भागों में बट गया, और दोनों भागों में बटने पर दोनों से एक एक देश बन के अलग हो गया, जिसमें से एक सिंगापुर हो गया और दूसरा ब्रुनेई हो गया, ठीक है। तो हम लोग डिटेल से देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं मलेशिया, अभी सिंगापुर ब्रुनेई के बारे में आगे देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं मलेशिया। तो अभी क्या देखते हैं, हम लोग मलेशिया देखते हैं कि मलेशिया क्या है, और ठीक है। एक चीज़ बात आ रहा है, मलेशिया जो है ना ये रबड़ उत्पादक देश है। क्या है? रबड़ उत्पादक देश। देखिए यहाँ मलेशिया, ये मलेशिया जो है ना, मलेशिया, ये मलेशिया, इसकी पूर्वी भाग पश्चिम भाग है, तो ये दोनों की राजधानी यहीं पे है। क्या है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, और ये जो है रबड़ उत्पादक देश है, ठीक है। क्या है? रबड़, मलाया रबड़ उत्पादक है, ठीक है। इसी भाग पर क्या है? राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है कौन सी है? इसकी राजधानी जो है, प्रशासनिक राजधानी, पुत्रजया। कौन सा? पुत्रजया। इसकी दो राजधानी, ठीक है। मतलब देखिए ये पूर्वी साइड में जो है दिख रहा है, पूर्वी साइड इधर हो गया, पश्चिमी साइड इधर हो गया, तो पश्चिमी साइड जो है उस पे है कुआलालंपुर, ठीक है। और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है कौन सा है? पुत्रजया, पुत्रजया। देखिए बता रहे आपको, देखिए मलेशिया देख रहे हैं, तो मलेशिया जो है ये मलाया रबड़ उत्पादक है। कौन सा? मलाया रबड़ उत्पादक देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, ये कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, और जो इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है ये कौन सा है? पुत्रजया। कौन सी इसकी राजधानी है? पुत्रजया। ये पुत्रजया है, ठीक है, ये पुत्रजया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया मलेशिया, अब मलेशिया के बाद आते हैं सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ मैप में देखते हैं सिंगापुर कहाँ है, आप लोगों को दिखा चुके थे सिंगापुर कहाँ है। सिंगापुर रहा आपका ये छोटा सा देश, सिंगापुर, सिंगापुर है यह जो है 1965 में, सिंगापुर जो है 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ, ठीक है। कब होता है? मलेशिया से होता है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ से साउथ चाइना सी है, दिख रहा है आपको, इस साउथ चाइना सी है, आपको नेक्स्ट बताएंगे अगले क्लास में। देखिए इधर से साउथ चाइना सी से अगर यहाँ जाना है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, और फिर आपका इंडियन ओशन इधर अगर जाना है इधर, ठीक है। तो इधर आने के लिए एक रास्ता, इधर से देखिए ये रास्ता जो है, सारे जहाजे जो पानी जहाज के जहाजे हैं इधर से सारे आते हैं
सिंगापुर होते हुए इधर से क्रॉस करते हैं और इधर से चलते हैं, ठीक है, इधर जाते हैं, तो इधर से जाके फिर इधर पहुंचते हैं। तो जितने भी पानी जहाजे वाले सब जा रहे सारे जो हैं इधर से गुजरते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, यहाँ पे सबसे अधिक कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर का क्षमता वाला बंदरगाह है, ठीक है ये। और सिंगापुर जो है ना, इसका जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो इसी से आता है, ठीक है, पानी जहाजों से होता है। और इसका जनसंख्या जो घनत्व है अधिक है, इसका अधिक है सिंगापुर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो ये सिंगापुर हो गया, देख लेते हैं कौन कौन से देश क्या हैं। अब आते हैं ब्रुनेई, ये ब्रुनेई है, ये ब्रुनेई जो है ये मलेशिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे मैप, यहाँ पे मलेशिया से ये तीनों ओर से घिरा है, इधर से पूरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। ब्रुनेई जो है वो मलेशिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल अधिक होता है, पेट्रोलियम यहाँ पे अधिक होता है, पेट्रोलियम यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है, पेट्रोलियम यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। और बोर्नियो द्वीप पर, ये किस पे है, बोर्नियो द्वीप पे है, जो ब्रुनेई है किस पे है, बोर्नियो द्वीप पर है। अब आते हैं आगे, ठीक है, ये हो गया ब्रुनेई हो गया। आते हैं अब इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया आपका, इंडोनेशिया ये रहा। आगे देखिए, इंडोनेशिया जो है ये द्वीपों का समूह है, इंडोनेशिया जो है वो द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह पे, इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह, यहाँ पे 13,000 से भी अधिक द्वीप समूह है, से अधिक जो इंडोनेशिया है उस पे 13,000 से भी अधिक द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया में। आप यहाँ देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये देखिए सर, छोटा जितने सारे द्वीप दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इंडोनेशिया का द्वीप है, ये इंडोनेशिया का है, ठीक है, तो सारे क्या है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब देखते हैं इस बारे में आगे, ठीक है, तो आप बता चुके हैं कि इसमें 13,000 से भी अधिक द्वीप समूह हैं इंडोनेशिया में, है ना। देखिए आगे आते हैं, क्या होता है कि यह जो इंडोनेशिया है यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आपको बता चुके हैं सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसमें 13,000 से अधिक द्वीप समूह है, ठीक है। और ये कैसा कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है मलेशिया। और ये इंडोनेशिया जो था ये पुर्तगाल के गुलाम था, पुर्तगाल, तो मलेशिया जो था ये किसका था, पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के अधीन था, ये पुर्तगाल के अधीन था। और ये 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है, पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है, ठीक है, 17 अगस्त 1945 को ये अलग होता है। देखिए आपको बता चुके थे कि यहाँ पे 13,000 से अधिक द्वीप है, 13,000 से अधिक द्वीप है, परंतु इसका जो 95% भाग मात्र 5 द्वीप पर है, मात्र 5 द्वीप पे है। आपको बता चुके हैं कि जो द्वीप समूह है सबसे अधिक है उसमें 13,000 से अधिक है, इसमें क्या है, 13,000 से अधिक है, 13,000 से अधिक है। एक मिनट देखिए, इसका जो द्वीप समूह है 13,000 से क्या है, अधिक है, 13,000 से अधिक द्वीप समूह, द्वीप है, ठीक है। उसमें से 90% 13,000 पे अधिक है, उसमें देखिए 95 मान लीजिए इसको, 95 95% भाग मात्र आपका 5 द्वीप से है, 5 द्वीप पर है, 5 द्वीप पर,
देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, आपको बता रहे हैं कि 13,000 से अधिक द्वीप हैं, 13,000 से अधिक द्वीप है कहाँ पे, इंडोनेशिया में 13,000 से अधिक द्वीप है, और इसमें से 95% भाग पर मात्र 5 द्वीप पर है, 5 द्वीप पर है, ठीक है। तो कौन कौन से द्वीप हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो सुमात्रा, पहले कौन आता है, सुमात्रा, कौन सा हुआ, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो, फिर सुलावेसी, सुलावेसी, कितने हो गए, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी तथा इरियन जिया, इरियन जिया, ठीक है, ये 5 हुए, कौन से हुए, 5 हुए। देखिए इसमें भी ये हुए, और इसमें कौन कौन से आते हैं आगे बताते हैं आपको, और इसमें और कौन से प्रमुख है द्वीप हैं, आप देखिए यहाँ पे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियंजिया, और बाली, फुलरेंस, तिमोर, न्यू गिनी, ठीक है, ये सारे इनके प्रमुख हैं, प्रमुख जो हैं, है ना। देखिए यहाँ पर बता रहा आपको, सुमात्रा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बोर्नियो, बाली, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, तिमोर और न्यू गिनी, न्यू गिनी। जब भी आपको बता रहे थे ना इरियन जिया, तो इरियन जिया कहीं पार्ट आता है, न्यू गिनी का आता है इरियन जिया, ठीक है। देखिए आप लोग मैप में देखते हैं, यहाँ पे मैप में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये मैप है, ये मैप में देखिए यहाँ पे, तो इस मैप में आप देखेंगे तो ये आपका सुमात्रा है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये बोर्नियो है, ये बोर्नियो है, आ गया ये, ये तिमोर, जो तिमोर बताया था, तिमोर लिस्ट, इसमें से ये तिमोर का है, ठीक है, ये तिमोर है ना, तिमोर, तिमोर हो गया। तो ये सारे द्वीप जो हैं इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ठीक है। और जो आपको बताया सुमात्रा, ये सुमात्रा जो द्वीप है ये रबड़ तथा पेट्रोल का उत्पादक देश है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया द्वीप का जो है, ये सुमात्रा जो है द्वीप है, ये क्या है, रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है, ठीक है, रबड़ और पेट्रोल। यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है, यहाँ देखिए मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि कहाँ है, ये मलेशिया है, तो ये मलक्का जल संधि ये है, ये क्या है, मलक्का जल संधि, यहाँ कौन सा है, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि के द्वारा, मलक्का जल संधि के द्वारा ये सुमात्रा जो है वो मलेशिया से अलग होता है, ठीक है। तो जो मलक्का जो है अंडमान सी, देखिए यहाँ अंडमान सी, और ये किसका हो गया, जावा सी, इधर ये रहा, देखिए ये जावा सी इधर है, इधर से ये अंडमान सी है, ठीक है। तो ये जावा जो है मलेशिया से अलग होता है, किससे होता है, तो ये होता है मलक्का जल संधि द्वारा, मलक्का जल संधि के द्वारा ये अलग होता है, कौन, सुमात्रा होता है मलेशिया से, ठीक है। अब आते हैं जावा पे, तो जावा देखिए यहाँ पे जावा, ये है जावा, आप लोग ध्यान देंगे जब स्टार्ट किए थे आसियान कंट्री, ठीक है, तो आसियान कंट्री का मुख्यालय बताए थे हम लोग, क्या बताए थे, जकार्ता बताए थे, जकार्ता। तो जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया किस द्वीप पे, तो जावा द्वीप पे, इसी जावा द्वीप पे है जकार्ता है। तो जकार्ता कहाँ है, देखिए ये रहा आपका जकार्ता, देखिए ये है जकार्ता यहाँ पे, तो जकार्ता कहाँ है, जावा द्वीप पे है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और आसियान कंट्री मुख्यालय
जकार्ता, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे जो जावा जो है, जावा जो है, जावा द्वीप है, ठीक है, आप यहाँ समझिए, जावा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, और इस जावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और आसियान की मुख्यालय जकार्ता, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो जावा है ये इंडोनेशिया का हृदय है, देखिए बीचों बीच में हृदय बीचों बीच में होता है, इधर सुमात्रा हो गया, इधर सारे द्वीप अलग अलग हो गए, और यहाँ बीच में है आपका जावा, तो यह इंडोनेशिया का हृदय है। इसी द्वीप पे इसकी राजधानी इंडोनेशिया की कौन सी है, आपको बता चुके हैं, जकार्ता, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है बांदुंग, यहाँ पे एक शहर है जावा जो द्वीप है, इस पे एक शहर है बांदुंग, यहाँ देखिए आपको बांदुंग यहाँ पे दिख रहा होगा, दिखा बांदुंग, आप एटलस मैप लेके ही पढ़े, गलती ना करें, ठीक है। जब तक आप एटलस मैप लेके ना पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे नीचे जहाँ पे जावा है वहाँ पे है बांदुंग, ये आपका बांदुंग है, यहाँ देखिए ये बांदुंग, ठीक है। तो जो ये जावा द्वीप, तो जावा द्वीप का जो शहर है कौन सा शहर है, बांदुंग, ये बांदुंग किस लिए फेमस है, ठीक है। तो आप देखिए विश्व में फेमस फेमस है, क्यों फेमस है बता रहे हैं आपको, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में बायोलॉजी में, ठीक है, जो मलेरिया के दवा के लिए, मलेरिया का जो दवा होता है किसकी, मलेरिया, तो मलेरिया के जो दवा बनती है किससे बनती है, मलेरिया की दवा जो बनती है सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से क्या बनता है, कुनेन, यहाँ देखिए बताते हैं आपको, सिनकोना, ये सिनकोना है, सिनकोना के छाल से, ये सिनकोना के छाल है, इस सिनकोने के छाल से बनता है क्या, कुनेन, कुनेन, और ये जो कुनेन है ये मलेरिया की बीमारी के लिए, इलाज के लिए होता है, किसके लिए, मलेरिया के लिए, मलेरिया, ठीक है, तो मलेरिया के इलाज के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये जावा द्वीप पे जो बांदुंग शहर है, बांदुंग शहर है कौन सा है, बांदुंग, बांदुंग, ठीक है, तो बांदुंग शहर है, इस शहर पे 80% विश्व का, 80% विश्व का, 80% विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन होता है, मतलब सिनकोना जो उगाया जाता है विश्व का 80% जो है यहाँ पे उगाया जाता है, 80% यहाँ पे उगाया जाता है सिनकोना, और सिनकोना के छाल से बनता है कुनेन जो मलेरिया की बीमारी के लिए, इलाज के लिए होता है, मलेरिया के दवा के काम में आता है, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। जावा देखिए, अब जो जावा हम लोग देखें सुमात्रा और जावा, अब यहाँ पे देखिए एक सुंडा जल संधि है, कौन सा, सुंडा, तो सुंडा जल संधि कहाँ पे है, यहाँ पे मैप में देखिए, ठीक है, सुंडा कहाँ है, तो सुंडा जो है वो हिंद महासागर और जावा सागर दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है और अलग करता है सुमात्रा और जावा, यहाँ देखिए सुमात्रा कहाँ पे और जावा कहाँ पे है, ये देखिए ये आपका सुमात्रा है और ये आपका जावा है, तो सुंडा जल संधि जो है दोनों को अलग करती है सुमात्रा और जावा, देखिए अलग यहाँ कर रही है सुमात्रा जावा को, दोनों को अलग कर रही है, और क्या करता है, हिंद महासागर और जावा सागर, ये आपका जावा सागर है, इस जावा द्वीप के नाम पे जावा सागर नाम रखा गया, और देखिए इधर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन दिख रहा है, इंडियन ओशियन, तो ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, ठीक है, तो सुंडा जल संधि जो है दो महासागरों को जोड़ता है,
दो सागरों को जोड़ता है, ठीक है, किसे किसे जोड़ता है, तो जोड़ने का जो काम करता है, ठीक है, वो जोड़ने का करता है हिंद महासागर, हिंद महासागर प्लस हिंद महासागर और जावा सागर, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। तो फिर अलग किसे करता है, जब दो वाटर बॉडी का अगर जोड़ रहा है तो दो लैंड मास को अलग करेगा, ठीक है, तो सुमात्रा, सुमात्रा और जावा को अलग करता है, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, दोनों को अलग करता है और हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है और लैंड मास को अलग कर रहा है, तो कौन सा है, सुंडा जल संधि, हम लोग यहाँ देख लिए कौन सा है, ये सुंडा जल संधि है, कौन सा है, सुंडा, सुंडा जल संधि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए बोर्नियो, बोर्नियो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, हम लोग देखे थे बोर्नियो, बोर्नियो कहाँ है, ये रहा आपका बोर्नियो, ए बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो, तो बोर्नियो जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का बात कर रहे हैं, एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, और इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पे बसा है, ठीक है, उसे काली मत्तन कहते हैं, जो जिस भाग पे बोर्नियो पे जो इंडोनेशिया जो बसा है उसे कहते हैं काली मत्तन, काली मत्तन, ठीक है, इसे कहते हैं। यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक है, इस द्वीप पे क्या मिलता है, पेट्रोल, ठीक है। और आप लोग बता चुके थे इस बोर्नियो द्वीप पे तीन देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग बता देते हैं, जो इंडोनेशिया है इस पे विषुवत रेखा, ना विषुवत रेखा जो है इंडोनेशिया से चार द्वीपों से गुजरती है, विषुवत रेखा इंडोनेशिया के चार द्वीपों से गुजरती है, कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए मैप में, देखिए मैप में ज़्यादा ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैप में देखने की कोशिश करें कि कौन से निकलते हैं। तो विषुवत रेखा इंडोनेशिया के चार द्वीपों से गुजरती है, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनी, न्यू गिनी, ये चार हैं, इनसे निकलती है, ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, पहले नोट करते हैं, यहाँ देखिए विषुवत रेखा, क्या देख रहे हैं, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा जो है वो एशिया, एशिया से गुजरती है, तो एशिया से किससे गुजरती है, इंडोनेशिया के चार द्वीपों से गुजरती है, कौन कौन गुजरती किससे, तो पहला सुमात्रा, पहला सुमात्रा, दूसरा बोर्नियो, बोर्नियो, तीसरा सुलावेसी, सुलावेसी, और चौथा कौन सा है, न्यू गिनी, न्यू गिनी, ये चार जो हैं आप मैप पे देखिए, आपको मैप में दिखेगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से बताए थे आपको, आपको बताएं सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी, अब देखिए और न्यू गिनी, आप मैप देखिए, यहाँ पे मैप में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अब जब मैप देखेंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा मैप में, तो यहाँ देखिए ये जो निकला है विषुवत रेखा, यहाँ दिख रहा है इक्वेटर लिखा है, कौन सा लिखा है, इक्वेटर लिखा है, देखिए ए वाली लाइन जो ब्लू लाइन गई है, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, ठीक है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, कौन सी है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा जो गुजरती है वो इंडोनेशिया के चार द्वीपों से गुजरती है, कौन कौन सी है, पहला बता चुके आप लोग को सुमात्रा, ए सुमात्रा है, ए सुमात्रा, एक सुमात्रा से, दूसरा बोर्नियो से, ये बोर्नियो द्वीप है, तीसरा
तीसरा देखिए, तीसरा जो है सुलावेसी, तीसरा कौन सी है, सुलावेसी, तो सुलावेसी ए इस पे, ठीक है, ए सुलावेसी है। और चौथा जो है वो चौथा है आपका न्यू गिनी, तो न्यू गिनी का ए आपका है, न्यू गिनी आपका है, जो ए न्यू गिनी का है, ये न्यू गिनी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के चार द्वीपों से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखिए, एशिया की वह राजधानी जो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है, राजधानी की बात हो रही है, राजधानी की बात करिए। अगर इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इंडोनेशिया राजधानी कहाँ है, जावा पे है, जावा पे है। मलेशिया की राजधानी कहाँ बात करें तो इसका राजधानी कुआलालंपुर यहाँ पे है। ब्रुनेई का है, बंदर सेरे भगवान यहाँ पे है, भगवान यहाँ पे है, ठीक है, मलेशिया के यहाँ हो गया। अब देखिए, विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी राजधानी है, तो आप यहाँ पे ऑफशोर से दिख रहे होंगे, सिंगापुर की राजधानी है, किसकी है, सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो सिंगापुर की राजधानी है सबसे नज़दीक में, विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, तो ऐसे ही हल्का मिनाना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। बोर्नियो द्वीप में जो बता चुके हैं आपको, बोर्नियो इंडोनेशिया की सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है, बोर्नियो, इससे बता चुके हैं। तीन देशों का राजनीतिक रूप से अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, बता चुके हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया के सबसे पूर्वी द्वीप, इंडोनेशिया के जो सबसे पूर्वी द्वीप कौन सी है, ये आपका न्यू गिनी है, न्यू गिनी है, इंडोनेशिया के सबसे पूर्वी जो द्वीप है वो न्यू गिनी है, कौन सी है, न्यू गिनी। अब जो ए न्यू गिनी है, जो ए न्यू गिनी है, इस पे दो देशों का अधिकार है, इस पे दो देशों का अधिकार है, एक तरफ पूर्वी साइड है, एक पश्चिम साइड है, ठीक है। तो पश्चिमी साइड जो पार्ट है वो किसका है, इंडोनेशिया का है, पूर्वी साइड जो है पापुआ न्यू गिनी, किसकी है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। अब यहाँ देखिए, इस मैप में यहाँ पे क्लियर दिखाया नहीं है, ठीक है, इस मैप में यहाँ पे क्लियर दिखाया नहीं है, ठीक है, मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दिखा देता हूँ, बताता हूँ, इसमें दिखाया नहीं है, आप जब मैप निकालेंगे, एटलस निकालेंगे, उसमें आप देखिएगा, ठीक है, उसमें से आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है, उसमें देखेंगे आप। तो इसमें बताता हूँ मैं यहाँ पे ओवरव्यू, इसमें देखिए ए, ठीक है, ये बीच में दो पार्ट में है, एक पूर्वी साइड है, एक पश्चिमी है, ठीक है, कौन सा देख रहे हैं हम लोग, ए है, कौन सा देख रहे हैं, तो न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप है, कौन सी है, न्यू गिनी। तो न्यू गिनी द्वीप जो है दो भागों में बटा हुआ है, दो देश इस पे अधिकार हैं, एक है पूर्वी साइड जो है वो पापुआ, कौन सी है, पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी, और जो पश्चिम साइड है ये कौन सी है, पापुआ राज कहते हैं, कौन सा, पापुआ राज, पापुआ राज्य इसे कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसका नाम है इरियन जया, इरियन जया, ठीक है, इसे कहते हैं इरियन जया। जो पश्चिमी साइड है इंडोनेशिया का पार्ट है, ये किसकी पार्ट है, इंडोनेशिया की, और पश्चिमी पूर्वी साइड जो है ये पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी के जस्ट नीचे में यहाँ पे कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कौन से है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो पापुआ न्यू गिनी से अलग होता है, ठीक है, किसके थ्रू अलग होता है, तो यहाँ पे एक सागर है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सागर है, ठीक है, उस सागर का नाम क्या है, एक सागर है उसका नाम है अराफुरा सागर, कौन सा है, अराफुरा सागर। तो
पापुआ न्यू गिनी से अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है अराफुरा सागर से। कौन से? अराफुरा सागर से। ठीक है, तो अराफुरा सागर जो है न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, देखेंगे मैप में, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं मैप में, अगर दिख जाए तो। यहाँ मैप में देखिए, इस मैप में है, किधर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इधर तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, ये तिमोर लिस्ट है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये, यहाँ पे दिखाएगा आपको जब मैप में देखेंगे, ये एशिया के मैप में कटा हुआ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू गिनी। कौन सा? न्यू गिनी, यहाँ पे न्यू गिनी दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहीं से अलग यहाँ पे एक सागर है। कौन सी है? अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। ठीक है, तो आप मैप एटलस में देखेंगे, वहाँ क्लियर दिखेगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन है, क्या देखिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप की बात करें, दुनिया की, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप की बात करें। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप की बात करें तो वो द्वीप कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। कौन सी है? ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, जब हम पढ़ भी एशिया पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? एशिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में तो बताएंगे इसमें कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इसका नाम ग्रीनलैंड है लेकिन ग्रीन नहीं है, क्या व्हाइट है। ठीक है, ग्रीनलैंड नहीं है, पर बर्फ से नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड इसका नाम है। ठीक है, जिसपे डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर अगर पूछेगा कि दुनिया की सबसे दूसरी द्वीप कौन सी बड़ी है, अगर दुनिया का सबसे बड़ी द्वीप बोला तो ग्रीनलैंड, अगर दुनिया की सबसे दूसरी, सेकेंड द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी दूसरी, तो दूसरी में आएगी तो न्यू गिनी। कौन सी आएगी? न्यू गिनी। एक साथ हो रहा है इसलिए बता दे रहा आप लोगों को। ठीक है, अगर तीसरी पूछे, थर्ड द्वीप, मतलब विश्व का सबसे तीसरी द्वीप बड़ी में, तो तीसरी आएगी बोर्नियो। विश्व की बात हो रही है, बोर्नियो। और फोर्थ जो बात करें, फोर्थ द्वीप में आएगा, तो फोर्थ में आएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, अगर फोर्थ में बात करें तो ये मेडागास्कर आएगा। ठीक है, और मेडागास्कर जो है इसे कहते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा है। अब यहां समझिए, देखिए यहां, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोले तो ग्रीनलैंड, दूसरी द्वीप पूछे विश्व का सबसे बड़ी दूसरी न्यू गिनी, न्यू गिनी, और सबसे बड़ी तीसरी पूछे तो बोर्नियो, और चौथी पूछे तो मेडागास्कर। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा विश्व का पूछ दे द्वीप समूह, द्वीप समूह, तो द्वीप समूह आएगा, ऑफ कोर्स बात है, इंडोनेशिया आएगा। कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इंडोनेशिया देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताते इरियन जया, तो इरियन जया जो है न्यू गिनी द्वीप पे है। ठीक है, जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा द्वीप है, यहाँ पे हम लोग देख लिए। और इस पर दो देश बड़ा है, कौन दो देश बड़ा है? एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का कौन सा है? इरियनजिया है, और एक कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देख लिए 9 देश देख लिए, आसियान कंट्री का 9 देश देख लिए, अब एक लास्ट कौन सा बचा है? फिलीपींस। एक लास्ट कौन सा बचा है? फिलीपींस। तो फिलीपींस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिलीपींस क्या है। ये आपका फिलीपींस है,
ये आपका फिलीपींस है। तो ये फिलीपींस जो है इसके दो बड़े द्वीप हैं, फिलीपींस के दो बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है लुजोन, सबसे बड़ा कौन सा है, लुजोन। देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है मैप में, सबसे बड़ा जो द्वीप दिख रहा है आपको कौन सा है, लुजोन। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा द्वीप है, उपका लुजोन, लू जोन। और जबकि दूसरे जो द्वीप है, दूसरे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मिंडनाओ, मिंडनाओ, मिंडनाओ। ठीक है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप पहला कौन सा है, लुजोन, और दूसरी कौन सी है, मिंडनाओ। फिलीपींस में बहुत सारे द्वीप हैं ठीक है, बट दो सबसे बड़े द्वीप हैं ठीक है। मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में मिंडनाओ की खाड़ी, देखिए मिंडनाओ जो है, तो मिंडनाओ के उत्तर में यहाँ पे मिंडनाओ की खाड़ी, यहाँ पे उत्तर में, उसके उत्तर में, ऊपर में ठीक है। मिंडनाओ द्वीप के पूरब में, पूरब में देखकर देखेंगे तो यहीं पे पूरब साइड में, आप वर्ल्ड मैप जो मैप देखेंगे, एटलस देखेंगे, उसमें आप देखेंगे, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है। मिंडनाओ द्वीप है ना, इसके पूरब साइड में देखेंगे आप ठीक है, इसमें इस मैप में क्लियर दिया नहीं है, ये मिंडनाओ है। तो मिंडनाओ के पूरब, पूरब कौन से, इधर इधर, तो मिंडनाओ के पूरब साइड में, पूरब में ठीक है, मिंडनाओ के सबसे पूरब में मरियाना की खाई है, मरियाना की खाई पूरब में। और उत्तर में बात करें यहाँ पे, तो उत्तर में कौन क्या था, मिंडनाओ की खाड़ी, मिंडनाओ की खाड़ी, मिंडनाओ की खाड़ी ठीक है। अब देखिए जो ये बताए मरियाना की खाड़ी, खाई, तो विश्व का सबसे गहरी खाई है, विश्व की सबसे गहरी खाई है मरियाना खाई, जो फिलीपींस के मिंडनाओ जो द्वीप है इसके पूरब साइड में, पूरब साइड इधर हुआ ठीक है, तो पूरब साइड यहाँ पे है मरियाना की खाई, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है, जो इसकी जो लेंथ है मतलब इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर, 11,022 मीटर इसकी है गहराई ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला है, इसकी राजधानी मनीला आप देख पा रहे होंगे, लुजोन द्वीप पे है ठीक है, इसकी राजधानी जो है मनीला वो लुजोन द्वीप पे है, लुजोन द्वीप पे है। और मनीला में जो है, मनीला में क्या है, मनीला में एक चीज़ और है, आप जब पढ़े होंगे तो इसमें देखिए क्या पढ़े होंगे, मनीला में क्या है, यहाँ पे क्या है, चावल अनुसंधान संस्थान है ठीक है। तो कौन सा, चावल का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो मनीला में ठीक है। जो फिलीपींस की राजधानी किस पे है, लॉजुन, लुजोन मतलब लुजोन जो द्वीप है उस पे कौन सी राजधानी है फिलीपींस की, मनीला। मनीला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है यहाँ पे। अगर बात करें भारतीय मतलब राष्ट्रीय चावल संस्थान, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें है ना, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय में पूछेंगे तो कहाँ जाएगा, कटक, कटक में है ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान बोल दें अंतर्राष्ट्रीय, तो आ जाएगा हमारा मनीला में ठीक है। मनीला में एक चीज़ आ रहा है, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है मनीला में, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लिए, यहाँ पे देख लिए फिलीपींस जो है, एक फिलीपींस पे दो बड़े द्वीप हैं, एक लुजोन है दूसरी मिंडनाओ है। और बताया कि यहाँ पे मिंडनाओ की उत्तरी साइड में, उत्तरी भाग में यहाँ पे कौन सा है, मिंडनाओ की खाई है, और मिंडनाओ की पूर्व साइड में मरियाना की खाई है। जो विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी खाई है वो कितनी है, 11,022 मीटर। इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वो लुजोन द्वीप पे स्थित है, और ये लुजोन द्वीप पे स्थित है, और यहाँ पे दो संस्थाएं हैं, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है, अगर राष्ट्रीय बोलेगा तो राष्ट्रीय में आएगा कटक में, ठीक है, भारतीय भारत में जो है, ठीक है, वो उड़ीसा में कटक में है चावल संस्थान, और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो हमारा आएगा मनीला। अब मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जल संधि है, लुजोन जल संधि। अब यहाँ देखिए मैप में, इसे मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। लुजोन जो जल संधि है इसे किसे किसे जोड़ता है, तो लुजोन जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है। यहाँ देखिए ये आपका रहा दक्षिण साओ चाइना सी, जिसपे चाइना अपने आपको जिसपे दावा करता है कि ये मेरा है, ठीक है। और दूसरा ये फिलीपींस है, तो दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। अब जोड़े कैसे, ऐसे देखिए साओ चाइना सी और दूसरा फिलीपींस सी, तो दोनों को जोड़ता है कौन, लुजोन जल संधि। लुजोन इस पे नाम पे से लुजोन रहा, ठीक है। जब जोड़ता है दोनों को तो अलग किसे करता है, फिलीपींस और ताइवान को, ताइवान यहाँ दिख रहा है आपका, ठीक है। तो फिलीपींस और ताइवान को अलग करता है और दोनों को जोड़ता है, समझ गए होंगे। मैप में अच्छे से देखिए, क्लियर हो जाएगा, इसे मिटाता हूँ, ठीक है। मैप में देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। और मैप में विजुअल बनता है, ठीक है, रटनेस नहीं होता है। आप मैप में देखिए, आपका विजुअल विजुअलाइज होगा, उसमें ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका फिलीपींस है, ये आपका यहाँ पे लुजोन है, अब यहाँ पे ये साउथ चाइना सी है और ये फिलीपींस है। तो फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, प्लस के साइन, कौन जोड़ती है, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, ठीक है, जल संधि जोड़ती है। अलग करती किसे, तो देखिए ताइवान इधर है और इधर ये फिलीपींस है, ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है लुजोन जल संधि, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग क्लास ले रहे थे आसियान के, तो आसियान में हम लिए थे साउथ ईस्ट जो कंट्री है, साउथ ईस्ट कंट्री है, ईस्ट कंट्री, इसमें बताया था 10 + 1, तो हम लोग 10 देख लिए, एक कौन सा बाकी है, तो एक बाकी जो है वो लिस्ट तिमोर, लिस्ट तिमोर, देखते हैं लिस्ट तिमोर कहाँ पे है। देखिए लिस्ट तिमोर आपका ए रहा, लिस्ट तिमोर आपका ए रहा, ए आपका लिस्ट तिमोर, लिस्ट तिमोर पे ये जो दिख रहा है तिमोर, इस पे ये दो भाग बटा हुआ है, ये इंडोनेशिया इधर है और आधे में इधर दिल्ली है, कौन सी राजधानी है, दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं, ओनली दिल्ली, लिस्ट तिमोर, इसकी जो राजधानी है इसकी है दिल्ली, और यह पहले जो था पुर्तगाल का उपनिवेश था, जो तिमोर है वो पहले किसका था उपनिवेश था, तो पुर्तगाल का ही था, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये साउथ ईस्ट जो एसोसिएशन है, मतलब आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री में लिस्ट तिमोर नहीं आता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन फंसा सकता है कि इसमें साउथ जो आसियान कंट्री है, तो आसियान कंट्री में लिस्ट तिमोर नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लिस्ट तिमोर इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट हो गया आसियान कंट्री, आसियान कंट्री में हम लोग देख लिए यहाँ पे कि कौन कौन से जो देश हैं साउथ ईस्ट के, सारे देश पे हम लोग
देख चुके हैं, ठीक है। बस आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट इसका जो बचेगा उसमें सारे कौन कौन से सागर, महासागर और जल संधियां हैं वो सारे हम लोग क्लियर कर लेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही।